नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और उम्मीद करता हूं कि सब आप सब अच्छे से होंगे। और आज से बच्चों दशहरे के शुभ अवसर पर हम लोग एक नया चैप्टर आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एमएस ऑफिस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विंडोज का देना है। और बेसिकली बच्चों ये क्लास आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है जिन्होंने ओ लेवल का एग्जाम देना है या जिनको बीसीए में फंडामेंटल और पीसी पैकेज का कोर्स करना है। तो बच्चों इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, थोड़ा एमएस एक्सेस की जानकारी, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया अबाउट विंडोज के बारे में देना चाहता हूं। विंडोज क्या है? देखिए पहली चीज तो ये समझ लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो प्लेटफॉर्म है जो कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को क्या है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर जाकर बाकी सारे सॉफ्टवेयर अपना एग्जीक्यूशन करवा पाते हैं। तो बिना ओएस के तो कुछ नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा और सबसे पॉपुलर ओएस जो है बच्चों वो है विंडोज। तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सामने ये स्क्रीन आपको बच्चों नजर आ रही है, जिसमें ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं, जहां पे मैं माउस मूव कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब वो एरिया जहां पर आप सारे कंपोनेंट्स रखेंगे और यहीं से यूज करेंगे। ये अलग अलग जो बच्चों आप सिंबल्स देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड आइकन्स, आप जानते हैं। और सबसे नीचे ये देख रहे हैं, ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। तो बच्चों सबसे नीचे ये क्या है, ये आपका कहलाता है टास्क बार, ठीक है ना, जहां पर जाकर आप विभिन्न तरह के आइकन्स को शो कर रहे हैं, नजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए डेस्कटॉप और उस पर उपस्थित आइकन्स क्या हैं। तो इसमें आइकन्स, अलग अलग आइकन्स है, जैसे दिस पीसी, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम आइकन, कहीं कहीं इसका नाम माई कंप्यूटर या कंप्यूटर भी दिखेगा आपको। ये आपका जो दूसरा आइकन है नेटवर्क आइकन, रिसाइकिल बिन, ये सब क्या है आपके, ये आपके सिस्टम कैटेगरी के आइकन से बच्चों। क्यों इनको मैं सिस्टम कैटेगरी का आइकन कह रहा हूं, क्योंकि ये वो आइकन्स हैं जो ऑटोमेटिक तुम्हारे जैसे एंड्रॉइड फोन में, तुम्हारे जैसे एंड्रॉइड फोन में अपने आप बच्चों ये बन जाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर विंडोज में भी कुछ ऐसे आइकन से जो स्वयं बन जाते हैं, जिनको आप हटा भी नहीं सकते, रिमूव कर सकते हैं। और कुछ अदर आइकन्स है बच्चों, जैसे कि ये देख लीजिए आपका फोल्डर आइकन्स, दीज आर फोल्डर। फोल्डर्स क्या होते हैं बच्चों, फोल्डर्स इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। और कुछ आपको देखेंगे, ये देखिए एक आपको शॉर्टकट, ये देखिए राइट में इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एक एरो की दिख रही है। तो तीन प्रकार के आइकन्स हैं, फोल्डर आइकन्स, शॉर्टकट आइकन्स और सिस्टम आइकन्स। सिस्टम आइकन्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आइकन बच्चों जो है वो तुम्हारा है दिस पीसी। ये देखिएगा दिस पीसी आपका जो आइकन है बच्चों, ये तुम्हारे कंप्यूटर की जितने भी रिसोर्स हैं आपके कंप्यूटर में, कितने सिस्टम फोल्डर्स हैं, देख लीजिए, 3D ऑब्जेक्ट्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, वीडियोस, पिक्चर्स, म्यूजिक, ये आपके सिस्टम फोल्डर्स हैं, बने बनाए, आपने नहीं बनाए। और ये दिखा रहा है कि तुम्हारे डिस्क में दो ड्राइव्स बनी है, लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी ड्राइव्स बनी है बच्चों। इसके अलावा आप यहां पर जाकर अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेस के बारे में, सेटिंग्स के बारे में देख रहे हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, ये देखिए आपको दिखा रहा है कि डिवाइस का नाम क्या है, इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा, इंटेल i5 2.5 GHz का, रैम 8 GB की है, डिवाइस आईडी क्या है, कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा यहां पर आपको सेटिंग्स दिखेगी। यहां वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्टेड है, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन है, सब चीज यहां पर बच्चों आपको नजर आ रही है, शो हो रही है, दिखाई दे रही है। डिवाइस सिक्योरिटी भी इनेबल्ड है। और इधर क्या है, तुम्हें
सिस्टम से रिलेटेड चीजें, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, यानी जैसे आपके मोबाइल में सिक्योरिटी या सेटिंग होता था वैसे ही यहां पर बच्चों आपको नजर आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, आप कह सकते हैं दिस पीसी के अंदर। फिर व्यू में आप जाकर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से व्यू देख सकते हैं, लिस्ट, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, डिटेल्स, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। तो अच्छे नहीं लगते आपका, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आपका मीडियम आइकन ही बेटर लगता है, या लार्ज लेना चाहते हो तो आप लार्ज भी ले सकते हो, ये भी कोई खराब नहीं है बच्चों। अब दिस पीसी के बाद एक और आइकन है बच्चों, जिसको रिसाइकिल बिन आइकन कहा जाता है। ये रिसाइकिल बिन आइकन क्या होता है, आपके कंप्यूटर का गार्बेज कलेक्टर होता है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फोल्डर, कोई फाइल, किसी भी लोकेशन से, एक्सटर्नल लोकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पेन ड्राइव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप डिलीट करते हैं, मतलब हार्ड डिस्क से कुछ भी तुम डिलीट करोगे तो बच्चों बाय डिफॉल्ट वो यहीं पे आता है। कहां पे आता है, रिसाइकिल बिन में। और कब डिलीट किया है ये भी दिखा रहा है, देख लो नेम क्या है फाइल का, ओरिजिनल लोकेशन क्या है, कब डिलीट किया ये दे रहा है आपका। ये देखिए मैंने अभी कुछ वीडियोस डिलीट किए वो दिखाई दे रहा है, 6 अक्टूबर 2022 को 8:13 पे मैंने बच्चों इसको डिलीट किया। अब आपको इसको रिस्टोर करना है, यहां से आप इसको खोल नहीं सकते, ओपन नहीं होगा। देखो ओपन का ऑप्शन नहीं है, व्यू दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, रिफ्रेश दिख रहा है, और सबसे कमाल की चीज है आपका रिस्टोर का ऑप्शन भी देगा, राइट क्लिक आप करोगे तो ये देखो रिस्टोर। यहां से तुमने डिलीट अगर कर दिया बच्चों तो दोबारा ये नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से विंडोज ने, बड़े ही दिमाग से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बड़े ही तरीके से बच्चों इसको मैनेज किया है, इसको बनाया है। क्यों बनाया है, ताकि आप सारे अपनी फाइलों को डिलीट करते समय भय ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने भय किया तो बच्चों निश्चित तौर पे गड़बड़ होने के चांस है। इसलिए बहुत दिमाग से चलिए, बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिसाइकिल बिन। तो बच्चों अभी तक के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से एक बार बता दूं कि आज से हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं आपके साथ, नए तरीके से आपसे जुड़ रहे हैं, और आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ लाइव चीजें कराएंगे। ये क्लास कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास है, जिसमें कि आपको बच्चों रेगुलर वीडियोस जाएंगे आपके तक, शेयर होंगे, आप उसको देख सकते हैं, और पसंद आए तो आगे आप और शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। ये वो वीडियो है जिसमें आपको बच्चों लाइव का मतलब कि सीधे लैपटॉप पर ही प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा विंडोज के बारे में समझाने की कोशिश की कि विंडोज क्या है। विंडोज एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें बच्चों विंडोज एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम से, बड़े ही इजिली अपने एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विंडोज का टाइप ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और यहां पर सामने विंडोज के कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कि डेस्कटॉप्स हैं, जिसमें कि आइकन्स हैं, जिसमें कि टास्क बार है डेस्कटॉप पर, ये डिफरेंट कैटेगरी के आइकन है। मैंने पीछे भी कहा कुछ सिस्टम आइकन्स है, जैसे दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, और कुछ तुम्हारे फोल्डर आइकन्स हैं, और कुछ तुम्हारे शॉर्टकट आइकन्स हैं, और सबसे नीचे ये देख लीजिए ये पट्टी जो दिख रही है बच्चों, इसको टास्क बार कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, तब तक बच्चों होगा नहीं। और इसके बाद मैं आपको बच्चों पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके कंटेंट को पढ़ाऊंगा। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एमएस एक्सेल एक तुम्हारा स्प्रेडशीट होता है, जिसमें कि बच्चों हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम ये करते हैं कि भैया कैलकुलेशंस करते हैं ऑटोमेटिकली, और
तीसरा पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या पैकेज होता है, चौथा एमएस एक्सेस ये आपका डेटाबेस का पैकेज है। तो हम लोग एक एक करके बच्चों इन सारे सॉफ्टवेयर्स को पढ़ेंगे। आने वाले वक्त में आप मान के चलिए कि इन चारों सॉफ्टवेयर को खत्म करने में मुझे कम से कम मान लीजिए 15-15-15, 30-35-40-50 लेक्चर तो मान के चलिए 50 से ज्यादा हो जाएंगे, 50 से कम ना होने वाले। तो इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा और आप लोग जुड़ेंगे और सीखेंगे, कल से आपके पास वीडियोस जाने शुरू हो जाएंगे, एक एक करके सारे वीडियोस जिसमें एमएस विंडोज से वर्ड से एक्सेल ये सब आपको बच्चों बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। तब तक के लिए बच्चों अलविदा।